आज मानव इतिहास में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया भर में मजदूर सड़कों पर हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। हम भी अपने घरों में बैठे हैं। और ये बहुत बहुत दुख की बात है। जी, मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं तो मैं नहीं बोल सकता। किस बात की शुभकामनाएं बोलूं? तब तब जब हम सभी लोग सिर्फ एक तमाशबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं हम लोग, और लिखने बोलने के अलावे कुछ नहीं सहयोग कर पा रहे हैं। बहरहाल, इस कार्यक्रम के लिए अर्थ आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस विषय पे बातचीत करना उचित समझा। मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के बीच, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों के बीच जब मैंने काम किया, कई फिल्मों में काम किया, मैं मिस्टर अशोक मेहता को असिस्ट करता हुआ, मैंने सुभाष घई, राजकुमार संतोषी, विपुल अमृतलाल साहब, रूमी जाफरी, अनीस बज्वी, इन जैसे बड़े फिल्म मेकर के साथ मैंने इनकी टीम का हिस्सा रहा, सीखा, समझा। और जब मुझे फिल्म बनाने की बात आई, विषय चुनाव करने का मसला मेरे सामने आया, तो मुझे बहुत सोचना पड़ा कि मैं क्या फिल्म बनाऊं, किसकी कहानी कहूं। और जब बहुत सोचा तो यही समझ में आया कि मुझे अर्बन स्टोरी, महानगरों की कहानियाँ मुझे नहीं कहनी, मुझे वो कहानी कहनी है जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैंने जिया है, जिसको मैंने महसूस किया है। मुझे अपने गांव घरों की कहानी, अपने लोगों की कहानी, मेहनत कश की कहानी कहनी थी। इसलिए मैंने स्प्रिंग थंडर जैसी फिल्म को चुना। और इससे पहले भी, निश्चित तौर पे इससे पहले भी, जो पहले फिल्म थी मेरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के, परीक्षित आमुली को लेकर के मैंने बनाई थी, फिल्म का नाम ओपी स्टॉप स्पिलिंग योर सॉक्स। वो कहानी भी, हालांकि वो बहुत एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, पर वो कहानी भी जो मार्जिनलाइज्ड है, जो उपेक्षित हैं, उनको लेकर के ही कही थी। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करता था। कई मतलब मुझे लगता है कि मैं 8 आदमी का काम अकेले करता था। और लोगों के कॉम्प्लेक्सेस, लोगों का डोमिनेशन, बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करता था। बहुत हायरार्की है ऊपर से लेकर के नीचे तक। ग्राउंड रूट पे, बेसिक लेवल पे काम करने वाले लोग किसी की नज़र में नहीं होते, वो बस प्यादे होते हैं, उनको
उनसे उनके मेहनत उनकी ऊर्जा का शोषण ही होता है। तो ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी और मुझे हमेशा लगता था कि किसी भी आदमी में हर वो गुण मौजूद होता है जो किसी भी बहुत सफल अपने करियर में अपने जीवन में जो बहुत सफल होते हैं और सड़क चलते किसी आदमी में कोई बहुत फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो अपॉर्चुनिटी का और वो क्राइसिस मैंने हमेशा से महसूस किया था। हमेशा एक इच्छा होती थी कि कुछ बेहतर करूंगा, सबकी बात रख पाऊंगा और एक स्ट्रगल करने वाले वर्ग का क्या भाव है वो मैं व्यक्त कर पाऊंगा। ये मेरी कहानी थी ओपी स्टॉप स्पेलिंग योर सॉक्स। इसका शीर्षक मेरे दोस्त जोजफ लोना ने दिया था, बहुत पॉपुलर फिल्म है, अच्छी फिल्म है वो। और जो फिल्म मैंने बनाई तो उसने फिल्म देखा जोजफ ने, जोजफ बहुत सीनियर थे मुझसे और मुंबई एयरपोर्ट में ट्रॉली वर्कर्स के बीच में बड़े बड़े आंदोलन ऑर्गेनाइज करके उनको उनके अधिकार और उनको घर जो मुंबई झोपड़पट्टी है एयरपोर्ट स्लम, उनको हमेशा ये संघर्ष करते देखा था। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे और उनकी हमेशा नज़र होती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये फिल्म दिखाई तो उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई, खूब हंसे वो लोग। वो थे और बहुत सारे दूसरे सुंदर पादमुख जो मुंबई एयरपोर्ट स्लम के मजदूरों के लीडर हैं, चाय बेचते हैं और सबकी सुरक्षा की गारंटी करते हैं, सबके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करते हैं। ये लोग फिल्म देखे तो बहुत खुश हुए, बहुत हंस रहे थे ये लोग। मैंने जोजफ से पूछा कि जोजफ इसको क्या नाम दिया जाए, टाइटल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कैसा टाइटल चाहिए। तो मैंने बोला कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ले करके वापस आएंगे, कुछ इतना लंबा टाइटल चाहिए मुझे। तो उन्होंने मुझे इमिडिएटली इस फिल्म का टाइटल उन्होंने बोला ओपी स्टॉप स्मेलिंग योर सॉक्स। मुझे लगा कि अरे ये क्या है, ये क्या जोजफ, ये क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रेज है, समझो इसको। मैंने समझा उसको, बस बेसिकली आइडिया ये है कि सोसाइटी में जो डोमिनेशन है लोगों को बताना कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, इस साला तुमसे नहीं होगा, आठ तुमसे नहीं होगा। तो आदमी उस भाव में चला जाता है कि हाँ हाँ भाई, मतलब मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बड़े लोगों का काम है, मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बड़े लोगों का काम है। एक्चुअली इसका फ्रिज का हिंदी शाब्दिक अर्थ हुआ कि मित्र ओपी अपना मोजा सूंघना बंद करो, सबका मोजा मांगता है। तो ये मेरी पहली फिल्म थी। इसके बाद दूसरी फिल्म मैंने नोमेड ट्राइब पे बनाई, बहरूपिया, द लॉस्ट बहरूपिया फिल्म का नाम था। इस फिल्म की कहानी भी घुमंतू जो जाति हैं, जो आंकड़े में कहीं दर्ज नहीं है इस देश में और पता नहीं कहां कहां इस देश में, बाद में मेरी समझ में आया धीरे धीरे कि करीब 250 ऐसे, हालांकि 2,500 इस तरह के नोमेड ट्राइब हैं, जिसमें से 250 ऐसे ट्राइब हैं जो प्रशासनिक पढ़ाई में बॉन्ड क्रिमिनल के बतौर अभी भी पढ़ाया जाता है और ऐसे लोग
नोमेड ट्राइब के ऐसे लोग जिनको कंजर्ड और पता नहीं क्या क्या स्लैंग कह के फिल्मों में, संवाद में, डायलॉग में गाली की तरह यूज करते हैं, पता चला वो जाती है और वो बंदा मेरी बगल में मंच पे खड़ा, वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स एंड बड़ी बड़ी फिल्मों में दुनिया भर के अवार्ड वगैरह ले चुका है और ऐसे जिसको कंजर्ड बोलते हैं वो मंच पे हैं और वो प्रशासनिक अधिकारियों में सभी लोग बैठे हुए हैं और ये सारी बातचीत चल रही है मंच से। तो कहने का मतलब कि इस देश में इस तरह के कई प्रोफेशन हैं जो निश्चित तौर पे हर जाति का एक प्रोफेशन हुआ करता था, लंबे समय से ये रहा है, पर अभी पहले जो बाध्यता होती थी, पर अभी वो बाध्यता नहीं है। हाँ, बाध्यता नहीं है पर है भी। तो ऐसे बहुत सारे नोमेड ट्राइब हैं जिनको खुद के अधिकार नहीं पता और आम लोगों को भी नहीं पता। नया कल्चर, कल्चरल जो स्पीड है जिसपे सिस्टम का तथाकथित बहुत एजुकेटेड वर्ग सिस्टम के एक्सीलेटर पे, कल्चरल एक्सीलेटर पे जोर से पांव दबा करके उसकी गति बढ़ाना चाहता है और एक बड़ा वर्ग है जो पीछे रह जाता है। सब अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सोसाइटी इन क्राइसिस से जूझ रही है। दुनिया में तमाम तरह के एंटरटेनमेंट के मीडियम फॉर्म सोसाइटी ने देखे और उनको नहीं पता है कि उन्होंने क्या क्या मिस किया। तो द लॉस्ट बहरूपिया की कहानी निश्चित तौर पे ऐसे ही मार्जिलाइज लोगों की कहानी है और स्प्रिंग थंडर में मैंने जहाँ जैसा कि शुरू में कहा कि इस फिल्म के लिए ये फिल्म मैंने हमेशा से अपने गांव घर में, इनफैक्ट सबसे पहले तो अपने पिताजी को मैंने, बहुत छोटा था, 8 साल 10 साल की उम्र में था, तो बहुत सारे लोग जाते थे ट्रेन में या जैसे भी, तो पापा मुझे ले करके जाते। उन लोगों को इनकलाब जिंदाबाद जीतेंगे लड़ेंगे। अपने पापा के साथ मैं उनके आंदोलनों में जाया करता था। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि अरे ये आंदोलन में जाने वाले लोग ऐसे कैसे ट्रेन में बड़े गरीब की तरह क्यों जाते हैं। दरअसल कोई भी माँ बाप बच्चों को नहीं बताना चाहता कि वो कितने गरीब हैं या उनकी क्या क्राइसिस है। कभी समझ में नहीं आया दरअसल क्राइसिस को ये लोग प्रेम भाव के साथ ढक और तोप दे देते हैं, तो पता ही नहीं चलता था कि लाइफ में क्या क्राइसिस है। लोगों को पटना मैदान में, गांधी मैदान में जिंदाबाद मुर्दाबाद इनकलाब करते देखते, तो तब तो नहीं समझ में आता था, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो कंसर्न है ना, ये कंसर्न अंदर था और इनकी जो लड़ाइयाँ थी, पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, पानी का वो आज भी, मतलब जो डैम उन लोगों ने बनाया था आज भी वो डैम बंद पड़ा है, और क्योंकि वो आइडिया ही टोटल रॉन्ग था, वो बात अलग है, लेकिन मामला ये है कि एक तो काम करने वाले लोग और काम करने वाले लोग मतलब हाँ डेवलपमेंट के नाम पे जो डैम और तमाम तरह की चीज़ें बन रही हैं, काम करने वालों को तो लगता है कि हाँ भाई हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन डैम बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े,
या क्यों पड़ती है? इसका मतलब है कि आपके पास जो पानी के जो रिसोर्सेज हैं उसको आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और डैमेज हो रहा है, डैमेज कर रहे हैं, हाँ, या डैमेज हो रहा है और आप उसके प्रति उदासीन हैं, इसलिए आपको पीछे हट करके ऊंचाई पे, पहाड़ों पे आपको डैम बनाना पड़ता है। अब आप पीछे हटेंगे तो पीछे के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो प्रभावित होगा। बहरहाल, मतलब वो क्राइसिस और उनका संघर्ष बहुत तरह की चीज़ें थी जो देखा, और मेरे कंसर्न में एक ये वर्ग हमेशा रहा, मेहनत करने वाला, वो चाहे वो सरकारी विभाग का साधारण कर्मचारी हो या फिर और तमाम तरह के मजदूर और संघर्ष करने वाले। तो मुझे लगता है कि खुद मैं एक खेतिहर परिवार से हूँ, खुद भी खेती बाड़ी की है, तो किसानों का दर्द तकलीफ क्या होता है वो भी जानता हूँ। मेरे गांव के लोग भी आज तक एक बगल में डैम बना था, 10-15 साल से बंद करके पड़ा हुआ है, उसका पानी आज तक हमारे खेत में नहीं पहुँचा है और न किसी के खेत में पहुँचा है। तो पता नहीं वो इंजीनियरिंग टोटल गड़बड़ थी या क्या था, मतलब ओवरऑल, मतलब वो पूरा का पूरा एफर्ट, हाँ, ऊर्जा, खर्च सब बेकार। तो मैं अपर क्लास जो संभ्रांत लोग हैं उनकी कहानी मैं क्या कहता है जो मैं जानता नहीं हूँ। जानता हूँ अपनी दुख तकलीफ, अपने लोगों की दुख तकलीफें, तो मुझे लगा कि ये सिनेमा होगा जिनके लिए इंटरटेनमेंट होगा, मेरे लिए भी है, इंटरटेनमेंट तो है ही, दुख तकलीफ की बातों को भी आप बहुत एंटरटेनिंग तरीके से आप कह सकते हैं, वो कहा भी है हमने। तो ये कंसर्न रहा है हमारा। मैं किरदारों को, अपनी फिल्म के किरदारों को समझने के लिए मुझे किताबों में स्टडी नहीं करना होता, जैसा कि मैंने अभी पिछली बात पे कहा है, ये मेरे जीवन के अपने अनुभव हैं। कहानी को मैं कल्पनाओं में और बालकनी में ऐसे खड़ा हो करके दुनिया देख करके मैंने कहानी कहना नहीं सीखा है। मैंने कहानी कहना सीखा है, सीखा क्या है, कहानियां हैं मेरे, अब समाज में घूमेंगे, अब समाज में लोगों के बीच में समय बिताएंगे, उनके बीच में रहेंगे, तो किरदार समझना और उनकी क्राइसिस समझना मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कनेक्ट होना चाहिए। अभी क्या है इस पदयात्रा के बारे में, जब मैं पदयात्रा करना मैंने शुरू किया तो अचानक से समाज के एक बड़े वर्ग में ये मैसेज गया कि एक आदमी जो है, भरी दोपहरी, जून की दोपहरी में मुंबई से झारखंड क्यों पैदल चल रहा है, पागल हो गया है क्या? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो गया हूं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मेरी स्प्रिंग थंडर फिल्म का हिस्सा था, और स्प्रिंग थंडर फिल्म का हिस्सा ये कैसे था पदयात्रा, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने जब फिल्म शुरू की स्प्रिंग थंडर, और फिल्म बनाना शुरू किया तो 2014 में मुंबई से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मैं आया। सारे टीम मेंबर्स अमेच्योर, फिल्म इंडस्ट्री में लोग सब नए, थोड़ा बहुत कुछ एक लोग काम जानते थे। यहाँ आकर के जब हमने फिल्म बनाना शुरू किया, और जैसा कि हमारी कहानी में जल जंगल जमीन का आंदोलन था, तो उस आंदोलन, अभी हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास, हमने तय किया था कि हम पैसे के बदले में समय ज़्यादा देंगे, हाँ, समय को हम कंपनसेट करेंगे, पैसे को हम कंपनसेट करेंगे समय से, क्योंकि टाइम इज मनी। तो मेरी कहानी में जल जंगल जमीन का आंदोलन था, तो आंदोलन
ऐसा आंदोलन ढूंढते हुए जब जंगल में हम पहुंचे, झारखंड नेतरहाट के जंगल में पहुंचे, तो पता चला कि देश का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल आंदोलन, जल जंगल जमीन का आंदोलन, पिछले 40 साल से यहाँ चल रहा है। और जब उस आंदोलन में गया तो मैंने देखा कि जंगल पहाड़ चढ़ करके 100, 150, 200 किलोमीटर या पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पीठ पे बच्चों को बांध करके नेतरहाट की पहाड़ में आते हैं और एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के शपथ लेते हैं, नाश्ते गाते हैं, मिलते जुलते हैं और शपथ लेते हैं कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर जल जंगल जमीन की रक्षा करने हेतु आजीवन अहिंसात्मक आंदोलन करने का शपथ लेते हैं। मैं देख करके, मेरी टीम देख करके दंग कि ये खाने वाने को है नहीं, पीठ पे बच्चा बांध करके हड्डी दिख रहा है सबका, और कह रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन के लिए जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। कि ऐसा क्या है भाई, ये जल जंगल जमीन ऐसा क्या विषय है जो ये लोग इतना ज़्यादा समझ रहे हैं? और मुझे लगा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो जहाँ तक हमारा पहले प्लान था कि हम इस फिल्म को एक साल में शूट करेंगे, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ गया कि नहीं, अगर ऊपर से विषय को छू करके निकल गए तो कभी नहीं समझ में आएगा कि ये जज्बा क्या है इनके अंदर, ये संघर्ष करने का मादा कहाँ से आता है, वो कन्विक्शन कहाँ से आता है। तो ठहर के हम लोगों ने तय किया कि नहीं, इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा और समय देंगे। ये बात समझ में आ गई थी कि हाँ, अब ये फिल्म एक साल में नहीं होने वाली है, एक लंबा समय जाने वाला है। तो वहाँ पे एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ऐसे वर्बल, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ भी नहीं। 2015 में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की, नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि जब उस आंदोलन में गए, वहाँ पे लोगों के बीच में एक बात थी, मतलब जब हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे बाप रे, इतना बड़ा आंदोलन और इस देश में लोगों को पता नहीं। तो उन लोगों ने, जो ये सवाल मेरा उन लोगों से था, आंदोलन करने वालों से था, तो उन लोगों ने बोला कि मीडिया के तो लोग आप लोग हैं, मुंबई से आप लोग आए हैं फिल्म बनाने, तो ये बात तो आप लोग ना रखेंगे। ये बात ठीक थी। फिर लगा कि मतलब मैं अकेला आदमी या हमारे जैसे लोग, हम लोगों पे ये क्यों निर्भर रहे हैं अपनी कहानियों के लिए, अपनी बातों के लिए? और हम कितना कह पाएंगे जब हम आज अपने जीवन का इतना बड़ा उम्र बिता करके पहली दफ़ा ऐसा आंदोलन देख रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि मतलब हम इनकी सारी बातों को रख पाएंगे? तो उस समय ये बात समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है कि यहीं गांव देहात के बच्चे, यहीं जंगल पहाड़ के बच्चे ट्रेंड हों फिल्म मेकिंग में, ये विधा ये सीखें, समझें और अपनी कहानियाँ खुद कहें। इसलिए नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट की एक स्थापना की, और स्थापना के नाम पे खूंटा, खंभा, बल्ली और टेंट, शमियाना लगा करके हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। 2016 में भयंकर पानी की क्राइसिस हुई थी, लातूर में ट्रेन से पानी भेजा जा रहा था, मराठवाड़ा में पानी के टैंकर पे धारा 144 लगा हुआ था, बहुत तरह की राजनीति हो रही थी। उस समय हम लोगों ने एक तय किया कि नहीं, पानी विषय पे हम लोग देश भर से जो भी नए फिल्म मेकर हैं और बड़े फिल्म मेकर हैं जिनको आना है आए, और गर्मी के दिन में जब पूरा देश पानी की क्राइसिस में हाहाकार मचा हुआ है, तो जंगल पहाड़ पर्यावरण के बीच में, हरे भरे पेड़ों के बीच में, जंगल के बीच में आएं और पर्यावरण को आत्मसात करें और पानी विषय की क्राइसिस को समझें और फिल्म के माध्यम से लोग व्यक्त करें। एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट के माध्यम से और 13 फिल्में बनाई गई। उन फिल्मों को कुछ फेस्टिवल वगैरह में दिखाया गया, कुछ सिनेमा हॉल में भी दिखाया गया। लोगों को अच्छा लगा, लोग बड़ा आश्चर्य किए कि अच्छा, पानी पे भी फिल्म बनता है।
और मेरे शहर में डाल्टनगंज में लोग भर भर के पूरा सिनेमा हॉल भर के, इनफैक्ट प्रोजेक्टर रूम में लोग भर के लड़ रहे थे कि मुझे देखने दो देखने दो, अच्छा ना देखा ये हो गए। तो खैर, तो पानी वर्कशॉप हम लोगों ने किया, फिर 2017 में निश्चित समय पे जंगल वर्कशॉप किया। जंगल वर्कशॉप एकदम घनघोर बारिश में, भयंकर बारिश में, इतनी बार गाड़ियां हमारी उल्टी पलटी, क्या क्या हुआ, बहुत तरह की चीज़ें हुई। सब लोग आए थे तो मतलब अच्छा बारिश हो रही है भैया, अभी क्या कर रहे हैं, कि बारिश हो रही है, बारिश से फिल्म बनाना है, छुपना नहीं है, बाहर निकल रहे हैं। तो सब लोगों ने मिल करके छः फिल्में बनाई और सारी फिल्में अभी टेबल पे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन पे हैं। इसलिए क्योंकि आर्थिक क्राइसिस से वो एक मामला हमेशा, पानी वर्कशॉप में ये था कि भाई स्ट्रिक्टली लोगों को था कि नहीं फिल्म यहीं शूट करना है, यहीं एडिट करना है, यहीं कंप्लीट करके यहाँ लोगों को दिखा करके आगे बढ़ना है। लेकिन जंगल वर्कशॉप में थोड़ा सा लालच हमारा, हमारे साथ में सभी लोग थे, उनकी उम्मीद थी कि नहीं नहीं ये फिल्म जो है, इस फिल्म को बहुत बेहतर तरीके से, इस पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए में वो चीज़ें अभी लटकी पड़ी हैं। क्योंकि वहाँ से वर्कशॉप से निकल के अब सारी टीम है नहीं, टेबल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो एक समय लेगा, वो अपने संसाधन सुविधाओं से आएगा। फिर 2018 में हम लोगों ने जमीन जैसे विषय पे काम करने के लिए जमीन को तो नापना पड़ेगा ना, बात बड़ी थी। चलो सिर्फ झारखंड की कहानी समझने से, जमीनी कहानी समझने से ज्यादा जरूरी है कि अब देश भर की कहानी समझी जाए। इसलिए हम लोगों ने मुंबई से पदयात्रा शुरू की और ये सब इस दौरान हमारी फिल्म का सब काम होता रहा। फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, स्प्रिंग थंडर कंप्लीट हो चुकी थी। तब ये था कि कुछ फेस्टिवल वगैरह में हम लोगों ने फिल्म भेज दिया था और कुछ समय था हमारे पास। फिल्म कंप्लीट हो गई थी तो ये समझ में आ रहा था कि भाई मतलब किसी फेस्टिवल का हम क्यों इंतजार कर रहे हैं, फिल्म डायरेक्ट लोगों को दिखा क्यों नहीं रहे हैं, रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री और बहुत प्रबुद्ध जनों ने, अनुभवी लोगों ने बताया कि नहीं, आप अच्छी फिल्म है और इस फिल्म को माइलेज अगर चाहिए, ज़्यादातर लोगों के बीच में बातचीत जाए, उनके कंसर्न में जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये फेस्टिवल में जाए। वहाँ क्या होता है कि फेस्टिवल से फिल्में जब चर्चा में आती हैं तो उसको तमाम तरह की न्यूज़ चैनल्स और तमाम तरह के खबरों में जगह मिलता है। ये बात मेरी समझ में आई कि अच्छा खबर चाहिए, फिल्म फेस्टिवल खबरों में आने के लिए करते हैं। अच्छा, तो बड़े बड़े अखबार और उनके फ्रंट पेज उस पर ध्यान न देते हुए हमने फोकस किया कि नहीं, गांव देहात के छोटे छोटे लोग, मतलब छोटे छोटे समूह जो खबरों के समूह हैं, ठोस तरीके से इनके बीच जाते हैं, समझते हैं, खबर तो बनेगा ही। तो जमीन वर्कशॉप, ये हमारा वर्कशॉप ही था, हालांकि ऑनलाइन मेरा यही तरीका रहा है, फेसबुक पे लिख दिया, ट्विटर पे लिख दिया कि शुरू चालू या ये करना है। तो जो दोस्त यार हैं, जो कनेक्ट महसूस करते हैं, जिनको पूरे इस प्रक्रिया की गंभीरता समझ में आती है, वो आगे बढ़ के आते हैं। तो फिर भरी दोपहरी में निकले और पूरा महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और कस्बों, शहरों में सभी जगह पे फिल्म दिखाते, जो भी पुरानी फिल्में की थी पानी वर्कशॉप के दौरान, या और भी फिल्में, स्प्रिंग थंडर का ट्रेलर, गाना दिखाते हुए लोकल लोगों की पानी की समस्याएं क्या रही हैं, या किन लोगों ने पानी के लिए बेहतर प्रयास किया है, इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। और
इस तरह से इस विषय को हम लोगों ने जल जंगल जमीन, तो पदयात्रा का पूरा मामला वो अलग से कुछ नहीं था, ये सब फिल्म से जुड़ा हुआ मसला था। और ये तीन विषय मेरी पूरी हुई और अभी मैं महसूस करता हूँ कि हाँ भाई, मैं जल जंगल जमीन विषय पे अपनी फिल्म कह सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। तो ये था। अभी के समय में ये तो पूरा दुनिया तमाशा देख रहा है, मैंने तो शुरू ही की इस बात से। हाँ, अचानक से एक विसिल बजाई जाती है कि सब लोग घर घर भागो। हाँ, और हवाई जहाज वाले हवाई जहाज से निकल लिए, कार वाले कार से निकल लिए, और गरीब मजदूर उसको मामला समझते, सेठों का मामला समझते, उसको समय लगा। और तोशक लेदरा गुदरा, हाँ, कुकर स्टोव बर्तन बासन बच्चों को पीठ पे कंधों पे डालते निकलते इनको समय लगा, क्योंकि पैदल चलना था। अपना पूरा घर कंधे पे डाल करके, पूरा परिवार कंधे पे डाल करके, थैंक यू कबूतर, पैन कर दो इधर, दिख रहा है। तो युद्ध और शांति, सही बात है। तो विशेष बना बजा करके लोग निकल लिए, और मजदूर जब समझ में आया उनको कि घर जाना है, अब यहाँ सेठ है जो खिलाएगा नहीं, काम बंद, तो सब निकले। और कितना एक दिन में चलेंगे, इतना सारा बोझ लेके, पूरा परिवार पूरा घर कंधे पे ढोते हुए पैदल। आमतौर पे एक आदमी साधारणतः 20 से 25 किलोमीटर एक दिन में चल सकता है, बहुत हट्टा कट्टा और प्रैक्टिस हुआ तो खींच करके, अब बहुत हुआ तो 40-42। यहाँ के किसान और आदिवासी जैसे हट्टे कट्टे मजबूत लोग, हट्टे कट्टे क्या, वो इधर से मजबूत इधर से मजबूत, ऐसे लोग 50-55 किलोमीटर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो चले होंगे लोग, बहुत जान लेकर के अगर चले होंगे, इतना बोझ लेकर के चले होंगे, तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर एक दो दिन में चले होंगे। और पूरे देश भर में हंगामा हो गया, अखबारों ने रोना शुरू कर दिया, सब दुखी हुए, ललकार दिया लोगों ने सेठों को कि सेठ मजदूर रोड पे घर परिवार बच्चा, सब सेठ हकबकाए, दान दक्षिणा शुरू हुआ, जो जहां था वहीं पे लोगों को खिलाना पिलाना लोगों ने शुरू किया, और इमीडिएटली गवर्नमेंट ने उनको जहां जो पहुंचा था वहीं पे लॉकडाउन, जो स्थिति में सबको बंद करके, और खिलाया पिलाया जा रहा है। और 15 दिनों तक खिलाया पिलाया गया, और ये क्राइसिस धीरे धीरे सेठ लोगों ने भी अपना हाथ खींचना शुरू किया। तो अब सच तो ये है कि आज के अखबार में देख रहा हूँ मैं कि जहाँ एक तरफ मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में जहाँ सारे मजदूर अपने साल भर के कामों का हिसाब किताब करते, आज क्या हिसाब किताब करेंगे। आज तो लोग अभी तो दया के पात्र हो गए हैं, अभी अधिकार की बात कहाँ हो रही है, अभी तो जान है तो जहान है वाले मूड में आ गया है समाज कि मजदूर भी बेचारे क्या करेंगे। अभी किसी तरह उनको घर पहुंचाने की बात है, और सुन रहा हूँ मैं कि जैसे हमारे अभी मैं झारखंड में हूँ, रांची में हूँ, तो यहाँ पे ये केंद्र ने अब जा करके बहुत चुन करके कि अब घर जाने के लिए आप लोगों को बंदोबस्त किया जाता है, अभी ये अखबार में छपा है।
अब ये लाखों मजदूरों को अपने घर पे ये कैसे लाएंगे, जिन सड़कों पे इनको बिखेर रखा है, गली मोहल्लों में बिखेर रखा है। तो अब एक अलग तमाशा शुरू होने वाला है। अब ये मजदूर घर पहुंच करके अपनी जान बचाएं, सेठ लोगों को थैंक यू बोलें 15-20 दिन महीना भर खिलाने पिलाने के लिए, उनके दया भाव के लिए। क्या लड़ेंगे, लड़ाई तो आगे जारी होगी। जिन बच्चों ने अपने आंख के सामने अपने पूरे परिवार को सड़कों पे चलते देखा है, सब याद रखा जाए। एक मिडिल क्लास और अपर क्लास को कितना पता है मजदूरों के जीवन के बारे में? तो बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। तो क्या होता है ना कि आप तकलीफ और दर्द दुख आप किसी का तभी जानते हैं जब आप ध्यान देते हैं। लेकिन ये तो कंपटीशन का जमाना है भाई साहब। जो देश और दुनिया के मालिक हैं कंपटीशन करवाते हैं मनुष्यों में, कंपटीशन करवाते हैं, कंपटीशन करो, कंपटीशन करो। आमिर खान की फिल्म थी 3 इडियट, ए बच्चा पैदा हुआ, कंपटीशन करो, कंपटीशन करो। तो सब लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो किसको पड़ी है, कौन किसको देखेगा, अपर क्लास क्यों देखेगा, मिडिल क्लास जानता है। हाँ, लेकिन अपनी जान बचाएगा है कि किसकी, मजदूरों की जान बचाएगा? तो सब जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन सब है ना, पता नहीं किसने ये कहा था कि क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसका है ये, मैं नाम बोल रहा हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये किसका है, मैकाले, मैकाले का ये कॉन्सेप्ट है ना, मैकाले। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कि जो कंपटीशन करेगा वो फिट है, जो मेहनत करेगा वो मजदूरी करेगा, तो ऐसा है। तो ये फर्क है। अभी क्या ये लोग समझते हैं आप समझिए, मैं क्या बताऊं। आगे बढ़ते हैं। सही सवाल, अच्छी बात, आपने स्टडी की है, थैंक यू। घुंघरू महतो, एक घुंघरू मेरे मित्र हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत टैलेंटेड हैं, और लाइफ में उन्होंने बहुत क्राइसिस देखे, लेकिन आज जो सफलता है उनके जीवन की, वो निश्चित तौर पे उनके मेहनत और उनके गुणों का है, लेकिन वो मेहनत उन्होंने बहुत अतिरिक्त मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। इनफैक्ट नवीन दरवाजा बंद करोगे, नवीन दरवाजा। तो इनकी जो हाँ, तो ये कह रहा हूं कि जो मेरे मित्र हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ा एक अच्छे जगह, एक अच्छा मुकाम पाने के लिए, अतिरिक्त। इनफैक्ट मैं आम तौर पे रोज अखबारों में देखता हूँ कि फला ने, फला की बच्चे ने, एक रिक्शा चलाने वाले के बच्चे ने ये कर दिया, ये क्वालिफाई कर लिया, एक हाँ एक गटर साफ करने वाले के बच्चे ने ये कर दिया। इस तरह से सोसाइटी बार बार फीड कराती है, और इन बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, जो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, इनको कभी समझ में नहीं आता
कि इनको निश्चित तौर पे इन सभी ने बहुत मेहनत की इसलिए वो अखबार में छपते हैं, लेकिन इतना अतिरिक्त मेहनत करना क्यों पड़े? किसी भी आदमी को इतना अतिरिक्त मेहनत क्यों करना पड़े जबकि सहज तरीके से वो गुण उसमें था? अगर समय से या अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान होती शुरू से, तो किसी को इतना एफर्ट डाल के आउट ऑफ द वे जा करके, मतलब अपने जीवन का सब कुछ भूल के और सिर्फ इसलिए कि नहीं मुझे सफल हो जाना है, दैट इज, मतलब ये बहुत साइकोलॉजिकली बहुत बीमार अवस्था है जो सोसाइटी के सिस्टम के का बाई प्रोडक्ट है। और ये कभी नहीं समझ पाते कि वो जो कंपटीशन करवा रहे हैं। तो मैं आता हूँ घुंघरू पे, तो उस अपने मित्र से वो नाम मैंने लिया जिसको नहीं समझ में आया कि अपने सारे गुणों को धार बना करके और हथियार बना करके किस चीज पे चोट करना चाहिए, जिस समस्या जिस क्राइसिस से वो जूझता आया उस क्राइसिस को ठीक करने के लिए, उस क्राइसिस के कारण को ठीक करने के लिए वो प्रयासरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया। वहां से मैंने ये नाम कैरेक्टर का उठाया और मैं हमारी सोसाइटी में इसी नाम का एक लोअर कास्ट बंदा क्या क्राइसिस फेस करता है जबकि वो पढ़ता है, वो अव्वल आता है, बहुत खुश है अपने अपने जीवन के जो भी उसके छोटे छोटे उसके जो सक्सेस हैं उससे बहुत खुश है, उसके इसके सपने घुंघरू के सपने बहुत बड़े हैं। वो भी चाहता है अपने समाज और देश के लिए बहुत बेहतर करना, अपने घर परिवार अपने समुदाय के लिए बेहतर करना। घुंघरू महतो चाहता है अपने समुदाय के लिए बहुत बेहतर करना, लेकिन सोसाइटी का जो पेंच है वो उसको जकड़ के रखता है। और मेरे उस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर का फर्क ये है, ये अपने साथ हो रहे क्राइसिस और प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स के कारण को आइडेंटिफाई करता है और उसको उस दिशा में ये फाइट करने की कोशिश करता है जहाँ पे वो बहुत बहुत विद्रोही तेवर लेता है जो समाज की सच्चाई भी है। तो हमारी कहानी में ऐसे और भी जो भी किरदार हैं उस सबकी क्राइसिस है। उसमें हमारे कहानी का किरदार में एक मुख्य और किरदार है सुरेश लकड़ा, जो जंगल और ट्राइबल्स के बीच जो क्राइसिस है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसकी भी यही क्राइसिस है, उसकी क्राइसिस तो खैर। सालगाडो अमृतसर ने 3-4 रोज पहले अमृतसर ने लिखा है इसके बारे में। सालगाडो के एक फोटोग्राफ से मेरी फिल्म के सुरेश लकड़ा और घुंघरू महतो फ्रेम में खड़े हैं बेलचा लेकर के और माइंस में काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी से सने हुए हैं। उसकी तुलना उन्होंने सालगाडो की फोटोग्राफ से की और तब मैं जाना कि सालगाडो कौन है। और अभी भी मैं उनको पढ़ नहीं पाया हूँ, अमृत गंगर सर के पोस्ट पे ही जितना पढ़ पाया हूँ। तो खैर बहुत सारी जानकारी है वहाँ पे। तो खैर मुझे प्रेरणा मुझे किससे मिले? नहीं, प्रेरणा तो मुझे जो मिला है मुझे जीवन में अपने अनुभवों से मिल चुका है। तो हाँ,
वो जानते हैं, सर जानते हैं कि दुनिया में किसने क्या क्या काम किया है, तो अच्छी बात है। मुझे मतलब यही लग रहा है कि हाँ भाई, सलगाडो ने भी इस विषय को, उनके जीवन में भी रही होगी क्राइसिस, इसलिए वो इन विषयों को छूते रहे होंगे। तो बस मैं इतना ही रिलेट कर पाता हूँ, और ये जान के अच्छा लगा कि हाँ उस फोटोग्राफ्स को प्रसिद्धि मिली थी। तो प्रसिद्धि दरअसल फोटोग्राफ्स को क्या, उसके पीछे की जो कहानी है, वो एक फ्रेम जो अपनी कहानी कहता है ना, जब भी अभी दौर चल रहा है, मास्क लगाना है, ग्लव्स लगाना है, ऊपर से नीचे तक ढक के रखना है, तो ये झूठ जो है कब तक चलेगा। जो बीमारी है अब, क्या आप माइंस और माइंस में जो आपके कोयला मजदूर है उनके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या मास्क देने वाले हैं? ये जो डैम और तालाब जो खोद रहे हैं, और जो दिन भर हल चला रहे हैं, इनके लिए क्या मास्क आपने सोचा है, और कौन सा ग्लव्स आपने सोचा है? तो प्रेरणा लिया जाएगा, जरा देखा जाएगा, समझा जाएगा, फिर प्रेरणा लिया जाएगा। थैंक यू। अगला सवाल। लहला हिट बनाने वाले, ये मेरे दोस्त परिंदा की लिखी हुई गीत है। परिंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिंदा उड़ चुका है। हालांकि परिंदा को तैरने का बहुत शौक था, एक दिन उसने एक चैलेंज लिया, एक बड़ा सा, एक बड़ी दूरी उसने इधर उसने तय की, उसको तैर के पार करूंगा मैं। मुझे आश्चर्य है कि जिस आदमी ने, जिसके एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं, उसने साल भर पहले कविता लिखी थी कि मैं जानता हूं मेरे कपड़े मुझको डुबो देंगे, मैं जानता हूं मेरे कपड़े मुझको डुबो देंगे, इसीलिए जब तैरना होता है सब कुछ खोल देता हूं। और मेरा वो दोस्त जो एक एक बात को समझता था, जब उसने एक फिल्म का बीड़ा उठाया, फिल्म पूरी की और फिल्म ख़त्म करके अपने गांव में उसने तैरने का एक बड़ा सा बीड़ा उठाया, पहले वो तैर रहा था अपना सभी दोस्तों के साथ, सब ठीक था, थोड़ी दूर तक तैर के जाता, लौट के आता, तैर के जाता, लौट के आता, और बार बार बोलता कि आज इसको पार करूँगा, इसको पार करूँगा। तो सब बोलते रह रहे दो छोड़ दो। लेकिन वो घर गया और जींस पहन के आया, और वो कूदा पानी में, बोला आज तैर के पार करूंगा, आर्य पार। और फिर उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। तो उसकी कविता है ये, जिसको मेघा ने एक बहुत सुंदर धुन दिया है। लेज़ली लुइस, जो इस देश के बहुत जाने माने, मतलब रॉक स्टार माने जाते हैं, उन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक दिया है। तो उसके बोल हैं, लहला ईंट बनाने वाले, लहला ईंट बनाने वाले, भट्टी को सुलगाने वाले, और खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमजोर मगर तुम जोर से इनसे मत बढ़ना। ये दुबले पतले सीख बदन इस बात से ज्यादा असली है, ये दुबले पतले सीख बदन इस बात से ज्यादा असली है, ये चुप्पी साधे बिन बोले हर बात से ज्यादा असली है। लो खोल रहा है दौर कि चाहे खूब मचा लो शोर, मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना, बस दिखते हैं कमजोर।